हाय एवरीवन, ये है मेरा टाटा टियागो एग्जेड प्लस 2021 मॉडल। तो आज मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरा एक माइलेज टेस्ट के बारे में, जो मैंने रिसेंटली लिया था एक आउट स्टेशन ड्राइव पे। ये आउट स्टेशन ड्राइव पूरा का पूरा आउट स्टेशन है, तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि सिटी ड्राइव में कितना दे रहा है। तो मैं प्योरली एक आउट स्टेशन के बारे में ही मैंने ये किया है। तो चलिए अभी कार में जाके देखते हैं ट्रिप के ऊपर। तो जैसे एक कार का जो होता है ना ट्रिप बी बोल के, तो उसी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख सकते हो अभी, तो ट्रिप बी जो है वो अराउंड 136 किलोमीटर है। तो एवरेज जो दिखा रहा है यहाँ पे अभी वो 20.1 है। तो अगर इसके हिसाब से हम बात करेंगे, जो मेरा ट्रिप जो था वो अराउंड 100 किलोमीटर्स हाईवे पे था, तो 30 किलोमीटर जो है वो ऑफ द रोड था। तो जैसे वो बहुत ही छोटा और नैरो रोड थे वो 30 किलोमीटर था, तो उसी टाइम पे मेरा थोड़ा एवरेज थोड़ा डाउन चला गया। अदरवाइज़ जो मेरा कार का जो एवरेज था बहुत अच्छा था। तो अभी मैं दो पार्ट्स में इसे मैं डिवाइड करूँगा। जो पहला वाला है वो हाईवे का है, हाईवे का जो फर्स्ट 100 किलोमीटर था, तो अप एंड डाउन में अगर मैं कंसिडर करूँगा तो उसमें मुझे एवरेज आया था अराउंड 23.5 के आसपास। तो बहुत ही अच्छा आया था, क्योंकि मैंने जब भी ड्राइव कर रहा था जो भी कोई गेस में यूज़ कर रहा था, जैसे टॉप गियर में अगर जैसे मैं जा रहा था, तो 70-80 इस स्पीड के अंदर अंदर मैं इस कार को रख रहा था। तो ज़्यादा मैं ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था और ज़्यादा मैं ब्रेक्स भी नहीं यूज़ कर रहा था। तो करेक्ट टाइम पे नॉर्मल एक्सेलेटर और नॉर्मल ब्रेकिंग, बहुत ही कम टाइम पे ब्रेकिंग यूज़ करो, क्योंकि अगर आपको जब दिख रहा है ना आपको ब्रेक लगाना है, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पहले से ही स्पीड को जो एक्सेलेटर आप दबा दो ना उसे छोड़ दो, तो उस टाइम पे वो एडजस्ट हो जाता है। हाईवे के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाईवे पे आपको दिखता रहता है कि इतना दूर पे आप मुझे आप एक व्हीकल है वहाँ पे, तो अननेसेसरी जो एक्सेलेटर और ब्रेक का यूसेज करते हो ना उसे आप कम करोगे तो आपका माइलेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये मेरा टाटा टियागो एग्जेड प्लस का ऑलमोस्ट हाईवे का मैं बोल सकता हूँ तो एक 23.5 के आसपास आया। और जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस था ना उसका अगर मैं सिटी के अंदर का या छोटा नैरो रोड जो होते हैं ना उसमें मुझे आया था 15-17 के आसपास, तो बहुत ही कम आ जाता है, क्योंकि वो रोड के ऊपर डिपेंड होता है, ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो उसी के हिसाब से अगर यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंबाइंड एयर पूरा, जो मेरा ट्रिप बी जो दिख रहा है वो 136 किलोमीटर है और जो एवरेज है वो 20.1 है। तो इवन इंक्लूडिंग ऑफ रोड और नेशनल हाईवे दोनों मिला के अगर 20.1 भी मुझे मिल रहा है, आई थिंक दिस इज़ प्रीटी गुड। या आप इतना एक्सपेक्ट तो अच्छा कर सकते हो, क्योंकि टाटा टियागो जो 20 एवरेज भी आपको दे रहा है ना तो बहुत ही अच्छा है। जब आप लॉन्ग ट्रिप अगर जा रहे हो तो इस टाइप का एवरेज आपको मिल गया ना तो बहुत ही अच्छा है। तो हमेशा ये बात इस बात का ख्याल रखो, जो ब्रेक्स और जो एक्सेलेटर होता है वो सडन यूज़ मत करो, स्लोली यूज़ करो, तो उससे क्या हो जाता है एक तरह से उसका एवरेज भी अच्छा हो जाता है। और एक इंडिकेटर को ये भी यूज़ करो कि जो कंपनी ने दिया है पे 0-30, तो जब भी गियर्स आप चेंज करते हो ना उस गियर में उतना एक्सेलेटर होना चाहिए, ताकि ये जो मार्क है यहाँ पे 0 पे वो 30 तक आना चाहिए, एटलीस्ट क्लोज टू 30। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जहाँ पे आपको बोलता है कि आपका ड्राइविंग का कितना नॉलेज अच्छा है, या ड्राइविंग आप कितना अच्छा कर रहे हो इस कार के ऊपर। ठीक है, तो इसको देख के भी आप एडजस्ट कर सकते हो आपका ड्राइविंग स्किल्स को, तो उसके बेसिस पे भी आराम से ये डिसाइड कर सकते हो आपका माइलेज कितना देने वाला है। अगर आपका मैक्सिमम टाइम पे ये अप टू 30 तक आ रहा है ना तो आपका जो एवरेज है वो अच्छा ही आएगा। ठीक है, अभी इसके साथ साथ अभी आपको तो ये मालूम होगा कि ऑन हाईवे अराउंड 23.5, ऑन एन सिटी रोड्स मोस्ट प्रोबेबली आई कैन से दैट इट इज़ अराउंड 15-17। सो दैट्स वाई व्हेन आई क्लब टुगेदर लाइक सिटी दैट नैरो रोड एंड दैट फुल हाईवे, सो आई एम गेटिंग करंटली अराउंड 20.1। ओके, सो दिस इज वॉट वी कैन डू। अगर आपको ये ट्रिप सेट करना कैसे मालूम नहीं है तो आपको क्या करना क्या है, देखो यहाँ पे ये ट्रिप जो भी होता है ना हमेशा ये ट्रिप भी उसी के लिए होता है ताकि आप अपना माइलेज को टेस्ट करो यहाँ पे। तो इसके लिए करना होता है यहाँ पे देखो ये वाला जो बटन है ना, ये देखो टोटल मेरा ट्रिप है 3980। ठीक है, और उसमें मुझे सिर्फ चाहिए
ये है ट्रिप, ये पूरा का पूरा है, ठीक है, 379। तो मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना करंट ट्रिप के बारे में चाहिए। तो करंट ट्रिप कितना है, 136। अगर समझ लो मुझे, अगर आज मुझे नया ट्रिप स्टार्ट करना है तो मुझे इसे ज़ीरो में कैसे लेके आना है, तो तब क्या करना है, ये वाला एक बटन होता है और ये वाला एक बटन होता है, ये आपको दिख रहा है ना, दो बटन्स। तो ये दोनों बटन्स को अगर समझ लो, अगर यहाँ मुझे यहाँ पे ज़ीरो लेके आना है पूरा, ताकि मुझे नया ट्रिप स्टार्ट करना है और नया एवरेज भी स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे क्या करो, ये वाला बटन और ये वाला बटन जस्ट होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स। चलो अभी आगे देखो, ट्रिप भी 0-0 और ये भी एवरेज 0-0। तो आप अभी नया जो ट्रिप स्टार्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको ये मालूम हो जाएगा। इवन अगर सिटी के अंदर भी आप ड्राइव कर रहे हो ना, तब भी इसे ज़ीरो करके हफ्ते में एक बार तो ऐसे चेक करते रहो, ताकि आपको माइलेज माइलेज के बारे में भी मालूम होता रहेगा। अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो आप अगर आपका ड्राइविंग अच्छा है तब भी ऐसे ड्रॉप हो रहा है, तो एक इंडिकेटर है कि आप अपने सर्विस सेंटर के लिए लेके जाओ और इसे बात करो अपने मैनेजर, सर्विस मैनेजर से। तो इससे आपको भी एक जो पेट्रोल का माइलेज है उसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।